नमस्कार, मैं अदिति सिन्हा और आप देख रहे हैं आईवी टीवी। सुरभि आनंद, जो कि आनंद मोहन की इकलौती बेटी है, बाहुबली विधायक आनंद मोहन की इकलौती बेटी की शादी है। वैसे में राजनीतिक गलियारों में भी इस शादी की धूम देखने को मिल रही है। सुशील मोदी पहले ही आनंद मोहन के परिवार से मिलाए हैं और उनकी बेटी को आशीर्वाद भी दे आए हैं। इस चीज़ की तस्वीर उन्होंने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की है। सोशल मीडिया पर उन्होंने ये बताया कि वो आनंद मोहन के परिवार से मिले, आनंद मोहन से मिले और साथ ही उनकी बिटिया रानी को आशीर्वाद भी दिया है। तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पूरा परिवार सुशील मोदी के साथ बैठा हुआ है, जिसमें खुद आनंद मोहन, साथ ही उनकी धर्मपत्नी लवली आनंद, बिटिया रानी जिनकी शादी है सुरभि आनंद, बड़े बेटे चेतन आनंद और छोटे बेटे अंशुमन आनंद नजर आ रहे हैं। सुशील मोदी भी बिटिया रानी को आशीर्वाद देने उनके घर पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि शादी दरअसल 15 फरवरी को है और 10 फरवरी को सुरभि आनंद का तिलक चला गया है। सुरभि आनंद की शादी राज हंस के साथ हो रही है, जिनका परिवार मुंगेर का रहने वाला है। वहीं इस शादी की बात की जाए तो ये शादी अरेंज मैरिज है। सुरभि आनंद ने खुद बताया है कि ये शादी अरेंज की गई है। पहले हमारे घर वालों ने मुलाकात की, फिर हमारी मुलाकात कराई गई और मुझे राजहंस पहली मुलाकात में ही पसंद आ गए थे। आनंद मोहन फिलहाल पैरोल पर 15 दिन के लिए बाहर आए हुए हैं, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी सुरभि आनंद की शादी है। आनंद मोहन के घर की ये पहली शादी है, लेकिन शादी के तुरंत बाद आनंद मोहन का पैरोल खत्म हो जाएगा और वो वापस से जेल में चले जाएंगे। इससे पहले भी 15 दिन के लिए वो बाहर तब आए थे जब सुरभि आनंद की सगाई हुई थी। इसको लेकर भी कहा जा रहा था कि सगाई के समय तक ही बस आनंद मोहन पैरोल पर बाहर आ रहे हैं, उसके बाद शादी के वक्त तक वो रिहा हो जाएंगे। 26 जनवरी की तारीख को कयास के रूप में भी रखा गया था कि 26 जनवरी को आनंद मोहन रिहा हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजपूत समाज के उन लोगों की आस टूट गई जो अपने नेता का बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जब आनंद मोहन पैरोल पर बाहर आए तो उन्होंने उन तमाम लोगों के धारस को बांधने का काम किया जो अपने नेता के लिए काफ़ी उदास हो गए थे। आनंद मोहन ने कहा कि सब कुछ जल्द ही ठीक होगा। जी हाँ, जब रिहाई पर आनंद मोहन से पूछा गया कि आप कब रिहा होंगे, आपकी रिहाई को लेकर अभी तक कुछ भी सरकार की तरफ से क्यों नहीं निकल कर आया है, तो आनंद मोहन ने साफ तौर पर कहा कि सब कुछ ठीक होगा। वहीं जब उनके परिवार वालों से बात करने की कोशिश की गई तो परिवार वालों का कहना है कि हम अभी यानी कि प्रेजेंट पर जीते हैं, फ्यूचर और पास्ट का सोच कर क्यों जीना। अभी हमारी बिटिया रानी की शादी है, घर की पहली शादी है, हमारे ऊपर तमाम तरह की जिम्मेदारियां हैं, अभी हम उसका निर्वाहन करते हैं और साथ ही बिटिया रानी की शादी धूमधाम से करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या कुछ होना है। और आनंद मोहन जो वापस से जेल चले जाएंगे उसको लेकर भी परिवार समर्थक सब लोग दुखी हैं। बिटिया रानी की शादी जो है वो काफ़ी रॉयल तरीके से होने वाली है। आपको बता दें कि ये बिहार की रॉयल वेडिंग है, जो कि इस साल की सबसे बड़ी शादी मानी जा रही है। वहीं विधायक चेतन आनंद ने इसको लेकर भी जानकारी दी है कि इसमें पक्ष विपक्ष हर किसी को न्योता भेजा गया है, इसको राजनीति के तौर पर नहीं रखा जाएगा, इसको एक पारिवारिक फंक्शन के तौर पर रखा जाएगा, इसको इस तरह से रखा जाएगा कि शादी में हर कोई आमंत्रित होगा, राजनीति गलियारे से हर कोई आपको इस शादी में देखने को मिलेगा। सुशील मोदी पहले ही इस शादी में अपनी भूमिका निभा कर आ चुके हैं। अब देखना है कि 15 तारीख को भी वो इस शादी में नज़र आते हैं या नहीं नज़र आते हैं। इस खबर में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें आईवी टीवी के साथ। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं अदिति सिन्हा, आईवी टीवी पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।